बंटी नगर क्षेत्र में भूपेंद्र रघुवंशी की निजी जमीन में से सरकारी नाला बनाए जाने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। भूपेंद्र का कहना है कि उसके कागज तक प्रशासन द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं। नाम बताएं आपका? मेरा नाम भूपेंद्र रघुवंशी है। कौन सा मोहल्ला है जी? ये वार्ड 33 है, वैशाली विहार, हड़सा मंदिर के पास में। ये निजी भूमि है, निजी भूमि। मैडम ना कागज देख रही ना कौन। मैडम, मैडम का नाम क्या है? मैडम है सरोज तहसीलदार है, अग्निवंशी, जो विदिशा की तहसीलदार नई मैडम आई। वो डॉक्यूमेंट नहीं देख रही, कुछ नहीं कर रहे हैं और गरीबों को सता रही है। और जो कॉलोनाइजर बगल में उधर सरकारी जमीन पड़ी है, उधर नहीं घुस रही, वो उधर घुस रही प्राइवेट जमीनों में। और कागज देखने को तैयार नहीं है। वो ये कहती हम तुम्हें अंदर कर देंगे तुरंत, कोई कागज नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ कितने लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्लाट क्षतिग्रस्त? इधर 4-5 लोगों के प्लाट है और मकान है, मकान भी करेंगे तोड़ेंगे। और नाले की जगह जो हालांकि उस साइड है, उस साइड वो आप नहीं ले, वो इधर से घुमा कर ले। पहले भी नाला था वो उस साइड से था, अब वो नाले को इधर अंदर घुसेड़ दिया। 80 फीट नाला होता है, 30 फीट का नाला है। पटवारी आ रहा है सब, उन्होंने 30 फीट का नाला है उसको 80 फीट नाला बता रहे हैं। वो नाला भी आप देखिए जी, तालाब बना रही है, नाला बना रही है। इसको जो पूर जाएंगे फिर क्या करेंगे जी? मकान तो सब गिरेंगे ना। हमने जमीन प्राइवेट खरीदी है, सरकारी नहीं ली। सरकारी हो तो भाई जहाँ है वहाँ तोड़ दे, हमें तो प्राइवेट, हमारी जमीन वहाँ तक है, वहाँ तक हमें दे दे। नाला जो सीधा जाना थी जो घुमा के लिया है नाला, किस नाला घुमा के लिया है? तहसीलदार मैडम से क्या किया है? ये कॉलोनाइजर है, उनने पैसे लिए क्या लिया है हमें पता नहीं है। मगर उनने नाला उधर से था सीधा, अब वो नाला को इधर घुसाड़ दिए कॉलोनी में, प्लाटों में। ये खड़ी पिसी में घुसेट रहे हैं, ये नियम ही नहीं है शासन द्वारा। खड़ी आप पिसी को काटोगे मतलब अतिक्रमण करोगे, जहाँ पिसी कट जाए उसके आप अतिक्रमण करो। खड़ी पिसी में आप काट रहे हो, मशीन घुसेट रहे हो, ये कौन सी बात होती है? और मैडम सुनने को तैयार नहीं है। और मैं निवेदन कर रहा हूँ मीडिया से, का मेरी सुनवाई नहीं गई, नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं भूपेंद्र रघुवंशी सनातन हिंदू सब समिति महामंत्री बोल रहा हूँ। क्या मेरी मीडिया ने नहीं सुनी, मुझे निराकरण नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरी जो जमीन है मुझे वो जमीन मिल जाए। मैं सरकारी बिल्कुल जमीन नहीं चाहिए मुझे। नाला जहाँ वहाँ आप ले लो, आप इधर क्यों घुस रहे हो? आप वहाँ जाओ ना, जहाँ सरकारी वहाँ घुसो।